Very good morning to dear students. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. So, देखिए 7 o'clock हो चुके हैं और आपकी क्लास का टाइम हो चुका है करंट अफेयर की क्लास. So, आप उठ जाइए और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए. वीडियो को बिना स्किप करे आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. So, चलिए जान लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में. गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिलेखा जी जो बनी है वो उन्होंने क्या किया है कि गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है उसको जीता है. आपको पता है कि उन्होंने अपनी पोज की भूमिका में टेलीविजन सीरीज के बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली एक्ट्रेस 2022 का गोल्ड ग्लोब पुरस्कार जीता है. इसके साथ वह गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बनी है. तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुशी की बात ये है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात भी है. तो आपको ये याद रखना है प्लस नोट भी कर लेना है. सो चलिए जानते हैं आगे न्यूज़ में. आगे क्या बताया गया है कि एक टेस्ट में पारी के सभी 10 विकेट के लेने वाले एजाज ने जीता दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड. आपको बताया कि न्यूजीलैंड में स्पिनर जो एजाज पटेल ने दिसंबर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत लिया है. पिछले महीने क्या हुआ था कि पिछले महीने भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट झटके थे और एक टेस्ट क्रिकेट में कैसा मतलब ऐसा करने वाले जो तीसरे गेंदबाज ही बने थे भारत में मयंक अग्रवाल, ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क एक पुरस्कार के अन्य दावेदार रहे थे. सो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही और आपको ये न्यूज़ काफ़ी अच्छे से पता होगी. वीडियो को देखने से पहले आपको शायद ये न्यूज़ नहीं पता होगी, लेकिन वीडियो अगर आप बिना स्किप के इसको कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको सारी नॉलेज अच्छे से होती जा रही होगी. सो चलिए आगे जान लेते हैं कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक और जांच के लिए स्वतंत्र समिति का करेगा गठन सुप्रीम कोर्ट. आपको पता है कि फिरोजपुर पंजाब में पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है. इसका नेतृत्व क्या है कि एक तरीके से पूर्व इसको जज करेंगे. कोर्ट के समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी एनआईए ने एक तरीके से आईजी पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एडीजीपी सुरक्षा पंजाब को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसकी डेली अपडेट लेते रहें. मैं आप लोगों के लिए जो भी कोई से आगे की जो भी न्यूज़ होगी जो अपडेट होगा वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी. सो आप इस न्यूज़ को अपने माइंड में फिट कर लें कि ये न्यूज़ अभी भी करंट में चल रही है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किसने जीता है कौन सा पुरस्कार. जैन कंपनी द्वारा निर्देशित द पावर ऑफ द डॉग गोल्डन ग्लोबर अवार्ड 2020 का बेस्ट पिक्चर ड्रामा पुरस्कार लिया गया है. एक्टर्स ड्रामा विल एक सिमंथन थे, किंग रिचर्ड हैं, तो एक तरीके से बेस्ट एक्टर हैं, ड्रामा हैं. सो बहुत सारे अवार्ड जो जीते गए हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. गैस के क्रिकेट में लगी आग को बुझाने की योजना बना रहा है तुर्कमेनिस्तान. आपको पता है कि दरवाजा प्राकृतिक यहाँ पे क्या है कि मैथेन गैस का रिसाव हो रहा है और प्राकृतिक गैस क्रिकेटर में लगी आग को बुझाने के लिए योजना बना रहा है जिसके नरक का दरवाजा भी कहा जाता है. आपको पता है कि बैतूल रिपोर्ट यह क्रिकेट तब बना तो जब शोभिया संख्या 1971 में डीलिंग ऑपरेशन गलत हो गया था. ठीक है, गलत हो गया और स्थानीय जो भूवैज्ञानिक हैं वो भूवैज्ञानिकों के अनुसार क्रिकेट द्वारा निर्माण 1916 के दशक में हुआ और इसमें 1980 के दशक में आग लगी थी. सो इसकी आग को बुझाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और आगे की जो भी अपडेट होगी वो भी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी. सो आप इसको नोट कर लीजिए और इससे अपडेट भी आप रहना इस न्यूज़ से. ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. देश में पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का एक और समुद्री परीक्षण शुरू. भारत के पहले स्वदेशी जो पोत है उनका एक तरीके से एक और समुद्री जो परीक्षण है वो शुरू हो गया है. योद्धावास के लिए एक रविवार को एक और परीक्षण शुरू किया गया है नौसेना के. देखिए आज मंडे है, सॉरी आज ट्यूसडे है, तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं. आप ध्यान रखिएगा कि ट्यूसडे को मैम ने ये पढ़ाया था
और आपको इस न्यूज़ से अपडेट होते रहना है। नौसेना के जो कमांडर थे विवेक माधवल ने कहा है कि इस दौरान पोत के विभिन्न सेंसर शूट का भी परीक्षण किया जाएगा। 40,000 टन बजनी इस पोत के पिछले साल अगस्त में 5 दिवसीय और अक्टूबर में 10 दिवसीय परीक्षण किया था। विदेश मंत्रालय ने विश्व हिंदी दिवस कार्यक्रम बैचलर मोड में बनाया। आपको पता है कि हिंदी दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो भी हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हिंदी हमारी एक मातृभाषा है। विदेश मंत्रालय ने हिंदी विश्व हिंदी दिवस पे कार्यक्रम को इसमें काफ़ी अच्छे उससे बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो में संदेश में कहा है कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सूचना के क्षेत्र में हिंदी का बढ़ता प्रयोग और युवाओं में इसकी लोकप्रियता को देख के इसका भविष्य उज्जवल की ओर दिखाई देता है। सो ये काफ़ी गर्व की बात है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं, आप पढ़िए हिंदी, दोनों लैंग्वेज ही बहुत ज़रूरी है, तो दोनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो चलते हैं, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो हमने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा। चलिए जान लेते हैं आगे की न्यूज़ के बारे में। आगे की न्यूज़ आपको बताती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए जल्द ही ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को जल्द ही डिजिटल अबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजाइन और विकसित किए गए जो ब्रेल है वो मानचित्र उपलब्ध कराए जाएंगे। यह ब्रेल मानचित्र उपयोग में आसान, बेहतर अनुभव देने वाले होंगे और दृष्टि से टिकाऊ होंगे। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इन मानचित्रों का जो उपयोग है वो अधिक संख्या में लोग वर्षों तक कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन के लिए देश में पहली बार इस प्रौद्योगिकी की डिजाइन को एक तरीके से क्रियान्वित करने का सोचा गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये यहाँ पे आपको पता रख लेना है। जो भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको लिए लेके आती रहूँगी, आप इसको साथ के साथ नोट भी करते चल रहे होंगे। अगर आपको एक बार नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको वीडियो को सेकेंड टाइम देख सकते हैं, और वीडियो को बिना स्किप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। चलिए, आज का करंट आपका पूरा हो चुका है। आज हमने कितनी न्यूज़ पढ़ी हम जान लेते हैं। देखिए, वह न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि गोल्डन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है। नेक्स्ट हमने जाना था कि एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले जो एजाज दिसंबर में किसने जीता है। हमने बात की थी कि पीएम मोदी जी से, पीएम जी से जो भी सुरक्षा में जो भी चूक हुई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग समिति बनाई है। नेक्स्ट हमने बात की थी 2022 में किसने कौन सा पुरस्कार जीता है। हमने नेक्स्ट बात की थी कि आग को बुझाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक के बारे में हमने बात की यहाँ पे कि समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हिंदी दिवस पे हमारे पीएम मोदी जी ने क्या संदेश भेजा ये मैंने आपको बताया। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। मैंने अब आपको इसका रिवीजन भी करा दिया है कि हमने कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ी। इसी तरीके से आप वीडियो को कंप्लीट देखें और आफ्टर वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, खुद से पूछेंगे कि आज मैम ने कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ाई थी, कौन कौन सी न्यूज़ में क्या क्या था, ठीक है। आप खुद से पूछेंगे बिना किसी नो बिना नोट्स को देखे, बिना वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। माय पेटी केयर।